तो हेलो गाइज, मैं यूके सर। आज मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इसका सलूशन है, सबको बताऊंगा वीडियो में। सो पूरा जानने वीडियो को एंड तक देखते रहना, चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज, अब बात करते हैं कि सफ़ेद बाल अगर आपका हो रहा है, उम्र से पहले हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सलूशन है। पहले बात करते हैं क्या रीजन्स है। तो पहला नंबर रीजन है दोस्तों, जेनेटिक्स प्रॉब्लम। अगर आपको जेनेटिक्स प्रॉब्लम, अगर आपका बड़े दादा, आपके पापा, अगर इसके उनके बाल अगर पहले ही ऐसे सफ़ेद हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, उनसे पूछिएगा तो आपको भी ये हो सकता है। इसके वजह से आपका हेयर फॉल भी होता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम के वजह से, वो भी डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम। अगर आपके 30 उम्र से ज़्यादा आपका उम्र है, उसके बाद अगर आपका बाल सफ़ेद होता है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डाई करना पड़ेगा। अगर 30 आपका उम्र नहीं हुआ, 30-35 उम्र नहीं हुआ है, अगर आपको पहले ही 20 में 22 में 25 में हो रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं। उसको कैसे रोक सकते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा आगे। तो पहला नंबर रीजन है दोस्तों, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। सेकेंड नंबर दोस्तों है सनलाइट एक्सपोजर। आप धूप में ज़्यादा घूमते हैं, ऐसे ही घूमते, तो आपको कैप यूज़ करना चाहिए ज़्यादा धूप में, ऐसे ही आपके अपने बालों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है आपको वाइट हेयर्स हो सकते हैं और उससे बाल भी डैमेज हो जाते हैं सनलाइट एक्सपोजर से। थर्ड नंबर पॉइंट है दोस्तों है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेना, अच्छी तरह से नींद नहीं लेना, जिसके वजह से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ज़्यादा टेंशन लेने से, एंगजाइटी से वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, बाल झड़ते भी हैं। जो ज़्यादा टेंशन नहीं ले, इससे आपका हेयरफॉल भी होगा और आपके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है दोस्तों, पॉल्यूशन एंड डर्ट। आप सभी को पता है कि पॉल्यूशन डर्ट की वजह से कितना डैंडरफ होता है, बाल गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दिल्ली, अगर आप दिल्ली साइड में रहते हैं या फिर कोई भी पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, या फिर पॉल्यूशन आप ज़्यादा व्हीकल्स चलाते हैं या फिर जो भी करते हैं, तो इसके वजह से पॉल्यूशन डर्ट की वजह से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो आप अपने वॉश करें, अपने बालों को जरूर रेगुलर वॉश करते रहे अल्टरनेट डे में, अपने डैंड्रफ को भी रिमूव करते रहे। फिफ्थ नंबर पॉइंट है दोस्तों है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, यानी आपको जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन ई, बायोटिन, प्रोटीन, इन सारे विटामिन्स की डिफिशियंसी। आप बायोटिन टेस्ट भी करवा सकते हो, देख सकते हो आपको बायोटिन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से भी बाल झड़ते हैं या फिर उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसके जगह आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। अगला जो रीज़न है दोस्तों है ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड खाना, इसके वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। सो ऑयली फूड, जंक फूड को ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल छोड़ ही दे, एकदम खाए नहीं। अब वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट जूस, हेल्दी डाइट, एक विटामिन, अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला डाइट अपने ले और उसको शामिल करें अपने डाइट में। अगला जो रीज़न है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन वजह से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ज़्यादा एंगजाइटी, स्ट्रेस की वजह से, अच्छी नींद नहीं लेने वजह से, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करने की वजह से भी बाल झड़ते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं पहले ही कम उम्र में। सो इन आदतों को बिल्कुल छोड़ दे। अगला जो रीज़न है दोस्तों, लोग ब्लीच करवाते हैं अपने बालों, ब्लीच कभी भी नहीं करना, जिससे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। हेयर वैक्स, कम चीप हेयर वैक्स यूज़ करते हैं, 200-300 वाला, इसके वजह से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। जो अपने स्कैल्प तक यूज़ करते हैं, स्कैल्प तक कभी भी हेयर वैक्स यूज़ नहीं करना चाहिए। आप स्टाइलिंग के लिए हल्का सा हेयर के ऊपर लगा सकते हैं, बट चीप हेयर वैक्स नहीं यूज़ करें, ना ही हेयर ड्रायर ज़्यादा हीट में यूज़ करें, कूल मोड में करें। सो इन सब चीज़ों का आप अवॉइड करें, जितना मैंने रीजन्स बनाए इन सारे चीज़ों का अगर आप अवॉइड करेंगे, अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, तो आप ग्रे हेयर को, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर्स को आप स्टॉप कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले से इसको रोक सकते हैं, अगर इन सारे टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, इन रीजन्स को अच्छी तरह से आप अगर देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो पहला नंबर सोल्यूशन इसका, आपको ऑयलिंग करना ज़रूरी है। ऑयलिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन तेजी से स्कैल्प में बढ़ जाता है, जिससे आपका बाल भी ग्रो होंगे और आपके बाल भी काले रहेंगे। तो ऑयलिंग कम से कम वीक में 2 बार जरूर करें। ऑयलिंग किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से, अभी किसी भी ऑयल से, मैंने ऑयलिंग पर भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। सो ऑयलिंग जरूर करें वीक में कम से कम 2 बार। सेकेंड नंबर, जैसे कि मैंने बताया, एक अच्छी डाइट लेना बहुत ही जरूरी है। मैंने डाइट पर भी वीडियो बना रखा हूँ, मैं सारे जितना भी वीडियो बना रखा हूँ उन सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वीडियो देख लेना। एक अच्छा डाइट, एक विटामिन्स वाला, प्रोटीन वाला, न्यूट्रिएंट्स वाला भी डाइट आपको बहुत ही जरूरी है, जिससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपका स्किन भी अच्छा रहेगा, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। सो आप इसके जगह मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको आंवला, नट्स, बनाना हो गया, जितने भी जीन्स, विटामिन, आपको 2 बॉयल्ड एग डेली लेना है प्रोटीन के लिए, बायोटीन के लिए। मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रखा हूँ, सो आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो चेक कर लेना। अगला जो पॉइंट हो, आपको ऐसे शैम्पू यूज़ करना जिसमें पैराबेन, एसएलएस ना हो, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही खतरनाक है, आपके स्कैल्प को डैमेज कर देगा। आप अच्छा एक हर्बल हेल्दी शैम्पू यूज़ करें या कंडीशनर यूज़ करें, जो आपके स्कैल्प के हेल्थ के लिए अच्छा हो। अगला जो पॉइंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, जिससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, जिससे आपके स्किन भी अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, काले रहेंगे। उसके अलावा आप ओमेगा 3 आपको लेना, जिससे आपके स्किन अच्छा रहेगा, आपके बाल हेल्दी रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, सिल्की रहेंगे। आपको ओमेगा 3 लेना, ओमेगा 3 का आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, आपको सस्ता मिल जाएगा, या फिर आप पंपकिन सीड ले सकते हैं। मैं इन सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं सारे टॉपिक्स के लिए लिंक दे दूँगा वीडियो का।
अगला जो पॉइंट है दोस्तों, आपको सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खाना चाहिए, जैसे गाजर हो गया, ऑरेंज हो गया और भी जितने सारे सीजनल फ्रूट्स आते हैं, वाटरमेलन हो गया, इन सारे फ्रूट्स को आप जरूर इंटेक कीजिए, जिससे आपके बाल, स्किन, हेल्थ, आपका ऑलरेडी सब कुछ, आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको जंक फूड ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने बालों का केयर करना पड़ेगा, तभी आपके बाल अच्छा रहेंगे। लास्ट में जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज या योगा या फिर आप होम वर्कआउट भी कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से बने रहे, आपका बॉडी हेल्दी रहे। आप पुशअप कर सकते हैं, आप हेड स्टैंड कर सकते हैं, आप इन सारे एक्सरसाइज को आप डेली 5 से 10-15 मिनट आधे घंटे तो कर ही सकते हैं मॉर्निंग में, इतना आपके लिए आपको बॉडी के लिए तो टाइम देना ही चाहिए, आपका हेल्थ रहेगा तभी तो सब कुछ सही रहेगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहा तो हेल्थ और स्किन से थैंक यू ओवर एंड आउट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। थैंक यू।